दूर सभी से रोग रहें, स्वस्थ देश के लोग रहें, सेहत सदा निराली हो, चहुं ओर खुशहाली हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से प्रेरित होकर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने SDGs का स्थानीयकरण करते हुए इन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देने का निर्णय किया है। जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, अधिक प्रोडक्टिव होगी। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी है गांव को स्वस्थ ग्राम पंचायत बनाना। जैसे हर गांव में स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, प्राथमिक जांच केंद्र व उप केंद्रों की स्थापना करना और निशुल्क निवारक दवाओं का वितरण। We have a public health wing here and also an RCH wing. Public health wing is associated with containment of communicable diseases and non-communicable diseases and other any health problems that occur in the field. So we have a wide network of health volunteers in this panchayat. कचरे का प्रभावी संग्रह और निपटान, स्वच्छ जल की आपूर्ति व भंडारण करना तथा उसे दूषित होने से बचाना, पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने की दिशा में निरंतर प्रयास करना, सामुदायिक संगठनों व स्वयं सहायता समूह को सही प्रशिक्षण देना, सार्वजनिक स्थलों और मकानों में स्वास्थ्य जांच आयोजित करना, सभी शिशुओं, बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन और सही पोषण सुनिश्चित करना, जीवन शैली से संबंधित रोगों को कसरत, योग व अन्य गतिविधियों के माध्यम से नियंत्रित करना। पूरे देश में एकमात्र योग गांव है, मुहु अम्मा ग्रामम पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य डेटा का रिकॉर्ड रखना। गांववासी नियमित रूप से योग करें और पौष्टिक आहार खाएं, इस बात का ध्यान दिया जाता है और स्वास्थ्य केंद्र की फंड से यहां आयुष के अंडर डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई है। अगर आपके गांव में भी सेहत संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देने और रोगों के उन्मूलन की दिशा में कार्य किए गए हैं तो बधाई हो, आपकी पंचायत है स्वस्थ ग्राम पंचायत। आज ही पंचायती राज पुरस्कार के अंतर्गत अपनी भागीदारी रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए www.panchayatawards.gov.in पर जाएं। प्रगतिशील पंचायत, प्रगतिशील भारत।